अब हम करें डिटेल्स की बात इस बाइक की कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सेकंड बात पे आए अगर हम माइलेज पे बाइक की, तो भाई आपके भाई ने भी लद्दाख की है। बैक पेन हुई थी मुझे भाई, तो पिछले ब्रेक पैड से डलवाए हैं मैंने, BMW से डलवाए हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई वाइब्रेशन ज्यादा, वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा एयर ब्रश है पेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। आपके भाई ने PPF भी कराया हुआ है देख रहे हो, तभी करके ना अभी तक मेरी बाइक सेफ है। सो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो अपन आज वीडियो शूट कर रहे हैं ना भाई साहब, काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी लोगों के ना मैसेज आते रहते थे कि भैया इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाओ, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या माइलेज है एंड कैसी परफॉर्मेंस है, और आपके भाई ने अभी दिल्ली से लद्दाख किया तो कैसा रहा आपका सफ़र, मतलब साथ दिया या धोखा दिया, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, बैक पेन हुई या नहीं हुई, क्या क्या चेंजेस कराए इस बाइक में मैंने अभी तक, क्या क्या नहीं कराए, कितने किलोमीटर चल गई है भाई। आज ना पूरी डिटेल वीडियो बनेगी इसके ऊपर, तो बने रहना वीडियो को पूरे एंड तक देखना भाई साहब। यार भाई ना आपका अकेले वीडियो शूट करने आया, सामने लगा हुआ ट्राइपॉड और आपका भाई यहाँ पे कर रहा है शूट। थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय करो और मिलते हैं इसके बाद आपको। तो जी आई होप थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देख के आपको मजा आया होगा। और अगर अब हम करें डिटेल्स की बात इस बाइक की कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड अभी तक आपके भाई ने क्या क्या चेंजेस कराए इस बाइक में, तो चलो बताते हैं। तो ये अगर सबसे पहली बात करें ना, तो बाइक लेते सार ना आपको भाई साहब ये चीज़ डलवानी है, क्योंकि भाई इससे ना ये बचता है भाई कसम से, अगर गिर गई ना तो भाई यही है वो चीज़ जो बचा सकता है, नहीं तो भाई कुछ नहीं बचेगा। मेरे साथ हो चुका था सीन भाई, क्या हुआ बाइक गिर गई थी तो ये चीज़ टूटा था भाई सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। तो इस करके सबसे पहले ये ज़रूरी है, ये मैंने क्रोल बाग से लगवाया था, मतलब दोनों देख रहे हो भाई साहब दो ही आते हैं ऑब्वियसली बात है, तो मेरे को 1500-2000 के बीच में पड़े थे ये ना रोमी मोटर से। और सेकंड बात पे आए अगर हम माइलेज पे बाइक की, तो भाई आपके भाई ने अभी लद्दाख की है, एंड टोटल आपको बाइक भी दिखा देता हूँ कितनी चली है मेरी अभी तक, अराउंड 7000 किलोमीटर चल चुकी है देख रहे हो, 7057 किलोमीटर चल चुकी है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो भाई साहब 7075 किलोमीटर चल चुकी है, बाकी पीछे ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी उसके लिए माफ़ी। और भाई साहब माइलेज की बात करें बाइक की इसकी, तो भाई माइलेज दे रही है अभी ये मुझे 32 की देख रहे हो, और मानोगे लद्दाख में इसने मेरे को ना 34-35 की माइलेज दी है अच्छी खासी, मतलब मेरा पूरा लद्दाख ट्रिप 8000-9000 के पेट्रोल में हो चुका है भाई, और मोटा मोटा 3200 किलोमीटर चली थी मेरी बाइक। तो भाई परफॉर्मेंस बढ़िया दिया है, बैक पेन हुई है मुझे ज़रूर, क्यों झूठ बोलूं कि नहीं हुई, बट इतनी नहीं हुई, और लोग कहते हैं ना कि भाई वाइब्रेशन ज़्यादा, वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, माइनर सी है भाई, इतना तो सहन कर ही लेता है इंसान। भाई इस बजट में, इस सेगमेंट में आपको ये बाइक मिल रही है स्पोर्टी लुक, और वो भी इस लोगों के साथ, तो भाई और क्या ही चाहिए दुनिया में। तो बस ऐसा है भाई, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया गया है, और लगा लो सबसे मेरे हिसाब से तो भाई अभी तक सबसे ज़्यादा मैंने ही चलाई होगी इस बाइक को, इतने लोगों ने लिए किसी ने इतनी चलाई होगी, क्योंकि भाई 7000 किलोमीटर इन 2-3 महीनों में क्रॉस कर दिए। सेकंड सर्विस भी आने वाली है आपके भाई की, सेकंड सर्विस की जो कॉस्ट रहेगी ना इसकी भाई वो रहेगी 9-10 हज़ार रुपये, जो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट रही थी इसकी अराउंड 5.5-6 हज़ार रुपये रही थी, शायद मुझे याद नहीं है, हाँ 5.5-6 हज़ार के बीच में ही थी उस सर्विस। बट सही है यार, लोग कहते हैं कि सर्विस इसकी महंगी है, बट मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई अगर आप TVS की बाइक लेते हैं ना, तो आपको पता है भाई उसकी पहली सर्विस 1000 रुपये जरूर है, तो उसका जो 3-4 हज़ार रुपये की होगी कॉस्ट है ना, तो जो सेकंड सर्विस है ना उसकी भाई 5000 रुपये है, जो इसकी सेकंड सर्विस है वो 10000 किलोमीटर पर है, तो भाई कान यहाँ से पकड़ लो, कान यहाँ से पकड़ लो, सेम ही है। तो भाई सही है बाकी अभी तक एक्सपीरियंस, बाकी आपके भाई ने ना ये देखो ये करवाया इसके ना, ये आपको डिप लग रहा होगा भाई, बट ये डिप नहीं है, ये पूरा एयर ब्रश है पेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी करवाया मैंने, मतलब दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी है भाई, मतलब क्या बताऊँ इसकी डिमांड इतनी है ना, मतलब जब जब मैंने इसकी वीडियो डाली ना भाई हर किसी ने पसंद किया इस पर। बाकी आज आपका भाई ना यहाँ पे अकेले आया शूट करने, अगर आपको देख रहा हो वो पड़ा मेरा बैग और हेलमेट, एंड कुछ लोग भाई यहाँ खड़े हुए हैं, इनका यहाँ पे ना जिम है, तो भाई लोग भी मिले थे अभी, उनसे भी मिलाता हूँ आपको। तो मैंने कहा भैया एक मिनट थोड़ा शूट कर लें उसके बाद आपसे मिलवाते हैं, क्योंकि मैंने कहा भैया थोड़ा सा शूट कर लूँ बाइक की डिटेल्स बता दूँ। बाकी भाई टायर अभी तक सही चल रहा है मेरे हिसाब से, अभी 2-3 हज़ार किलोमीटर चला देगा, तो सोफा 7000 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है। और एक और बात भाई, मैंने ना अभी ब्रेक पैड्स बदलवाए हैं इसके ना पिछले। तो जी ये थे अपने मतलब कि ओरिजिनल ब्रेक पैड्स जो बाइक के साथ आए थे, बट अब इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, पूरे डेड हो गया देख रहे हो, मतलब इतना सा भी नहीं बचा यार, क्या ही बोला जाए, चल सही है टाइम से पता चल गया, बाकी अपनी बाइक वो खड़ी। तो जी अपना बिल आ चुका है अपने हाथ में, ये जो अपना खर्चा है ना आज मोटा मोटा आया 1870 रुपये का, मतलब कि 1421 रुपये के अपने को पड़े हैं ब्रेक पैड्स,
और ये है 450 की बढ़िया लेबर, मतलब देख रहे हो यार। तो मोटा मोटा जो हुआ है ना अपना 1870 रुपये में इसमें ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं। अगले की भी बारी आ चुकी है, बट अगले अभी शायद थोड़े से चल जाएंगे। तो पिछले ब्रेक पैड्स डलवाए हैं मैंने, BMW से डलवाए हैं। सारा काम ना मैं सोच रहा हूँ कि मतलब वहीं से कराना है, क्योंकि बाहर से नहीं छिड़वाना, क्योंकि भाई एक ब्रांड की बाइक ली है ना, तो एक ब्रांड के पास ही जाना ही सही लगता है भाई। और ऊपर से BMW तो आपको पता ही है भाई, बाकी फ्री वाली कॉफ़ी मिल जाती है वहाँ पे पीने के लिए। और अभी सेकंड सर्विस भी आने वाली है इसकी भाई, क्योंकि 7000 चल गई है। तो अगर हम IBW इस बाइक पे गए तो भाई सब पहले करवा के चले जाएंगे इसकी सर्विस, नहीं तो भाई आके होगी, आके तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा पहले ही करवा लेंगे। बाकी इसकी कॉस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्या क्या चीज़ें उसमें डलेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना एंड चैनल पे बने रहना। तो भाई अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक भी कर देना, एक कमेंट भी छोड़ देना बढ़िया सा। बाकी भाई सही चल रहा है अभी तक के एक्सपीरियंस, एक नंबर भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इस बाइक में, जो लोग कहें कि भाई दिक्कत है, मुझे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई इस बाइक में। और अभी ना मैंने ये देख रहे हो, तो ये चीज़ ना मैंने पेंट करवा ली अपने ऑफिस से ही, क्योंकि पहले ना मैंने फिल्म चढ़वाई थी भाई, वो क्या हुआ था कि 10 दिन बाद ना उतरने शुरू हो चुकी थी। तो मैंने कहा भाई क्या ही जुगाड़ करें, तो भाई भाई ने बताया कि भैया पेंट कर देता हूँ। तो अभी कुछ लुक ना इस तरह की आ रही है मेरी बाइक की ना, देख रहे हो, तो ये परमानेंट वाला सीन हो चुका है भाई। इस पर पानी मारो, शैम्पू मारो, जो मर्जी मारो, ब्रश मारो, तो अब ये नहीं उतरेगा भाई, ये ऐसे ही रहेगा बढ़िया सा। तो बाकी सही है। बाकी भाई अगले ब्रेक पैड्स की भी बारी आ चुकी है, हो सके तो इस संडे राइड पर डलवा लेंगे, क्योंकि मोस्टली भाई अगर बाइक पर गए तो मंडे निकल जाएंगे, अगर नहीं गए तो फिर हम 30 को या 1 को ही निकलेंगे IBW के लिए, वो अपना रहेगा बायर। और जो मुझे इस नंबर की कॉस्ट पड़ी थी ना, वो अराउंड मुझे 3000 रुपये पड़ी थी इस नंबर की कॉस्ट, देख रहे हो। मतलब आप भी ले सकते हो ये फैंसी नंबर, 1600 मैंने इस करके लिया भाई, क्योंकि आपके भाई की 16 बर्थ डेट है, 16 जून अगर आपको याद हो तो। 0016 थोड़ा महंगा था, तो मैंने कहा भाई 1600 से काम चला लेते हैं, तो इसके भाई इस करके आपके भाई ने 1600 नंबर ले लिया था। बाकी और भी चेंजेस की बात करें ना, तो अभी मैं शायद से करोलबाग जाऊँगा, क्योंकि ये है ना भाई, ये उतार देना आपके भाई ने ना, क्योंकि बढ़िया से टेल लाइट ही देखेंगे भाई जो बढ़िया लगे। बाकी भाई आपके भाई ने PPF भी कराया हुआ है, देख रहे हो, तभी करके ना अभी तक मेरी बाइक सेफ है, ये तो भाई क्या ही होता। एक दिखाता हूँ आपको, जब बाइक ली थी ना तो ये देख रहे हो, मतलब किसी ने ना पैर मार दिया था, तो आते सारी भाई टक लग गया था, तो फिर मैंने भाई बात की। तो आपके भाई का ऑफिस है डिटेलिंग डेविल्स, एंड ये जो काम है ना भाई डेविल कस्टम, कुछ भी कराना हो आपको बाइक की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो भाई एक बार आप विज़िट कर सकते हो डेविल्स गैराज नोएडा सेक्टर 1 में, क्योंकि आपका भाई ना वहीं जॉब करता है, तो भाई अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिला देगा आपका भाई अगर आप आओगे तो। बाकी भाई एक BMW के ब्रांड के हिसाब से भाई बाइक की माइलेज भी बहुत सही है यार, कसम से मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि भाई माइलेज कम दे रही है ये वो, भाई माइलेज एकदम बढ़िया है। सो हर ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक की भाई, बाकी पोस्चर भी अच्छा है, कटिंग वोटिंग अच्छे से हो जाती है, भाग भी अच्छी जाती है। आपके भाई ने अभी तक मतलब दिखाता हूँ कितनी लगाई है टॉप स्पीड, कि भाई ने ना अभी तक लगाई है इस बाइक को 168 किलोमीटर, देख रहे हो, मतलब मोटा मोटा ना 170 चले जाती है, देख रहे हो अगर आपको दिख रहा हो तो आपके भाई ने 168 किलोमीटर लगा दिए है। एंड इस बाइक में भाई 4 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राइड मोड पे गए, ये राइड मोड पे गए हम, बाकी अर्बन मिल जाता है, रेन मिल जाता है, स्पोर्ट मिल जाता है और ट्रैक मिल जाता है। तो आपका भाई मोस्टली स्पोर्ट पे ही चलाता है, ट्रैक पे कभी हो तो भाई चला लेंगे, क्योंकि BMW का जो ट्रैक डे हुआ था भाई वहाँ पे आपके भाई ने ट्रैक पे चलाया था। और रेन मोड पे भाई सही है, मतलब बाइक दब के चलती है, बट क्योंकि जमीन के साथ ना पकड़ बना के चलती है इस करके। बाकी अर्बन आपको सिटी में चलाना हो तो इस करके। बाकी भाई सो फार बढ़िया है, फ्यूलिंग का टाइम आ चुका है भाई 81 किलोमीटर्स है, उसके बाद भाई ने तो बाइक बंद हो जाएगी। तो अभी रास्ते में चलते हुए डलवाते हैं, तो करोलबाग में जाके इसका जो जो चेंज हो सकता है ना आज वो करवा के ही रहेंगे, तो बढ़िया यार। तो भाई एक और बात, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो भाई कमेंट करके बता देना, जो भी डाउट्स रहेंगे हम कमेंट्स में कर देंगे, अगर कमेंट्स में नहीं रहा तो भाई उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ताकि भाई आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भाई ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ड यही आता है इंसान के, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली के बंदे का ना 3 से 4 लाख रुपए खर्चना काफ़ी बड़ी बात होती है भाई, कोई इजी नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते भाई, मेहनत की कमाई है, तो इस करके।